नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में हर साल आईएएस आईपीएस और जितने भी बड़े अधिकारी हैं उन सभी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा जारी करना होता है। ऐसे में अब बारी है बिहार के आईपीएस की। आपको बताएं कि बिहार के 167 आईपीएस ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जारी किया है और हैरानी की बात तो ये है कि डीजी से ज्यादा अमीर एडीजी रैंक के आईपीएस अधिकारी है। पूरी डिटेल्स आपको देते हैं कि आखिर किस आईपीएस के पास कितनी संपत्ति पाई गई है और क्या कुछ लिस्ट इस वक्त बिहार पुलिस से देखने को मिली है। बता दें कि बिहार में पदस्थापित आईपीएस अफसरों में डीजी से ज्यादा अमीर एडीजी रैंक के अफसर हैं। टॉप 10 अमीर अफसरों में 4 एडीजी रैंक के हैं, जबकि 4 आईजी और साथ ही 1 डीआईजी और 1 एसपी रैंक के हैं। अफसरों की ओर से घोषित संपत्ति के आधार पर यह आकलन किया गया है। कुल मिलाकर 167 आईपीएस अफसरों की संपत्ति की घोषणा की विश्लेषण से पता चला है कि 10 आईपीएस की संपत्ति 5 करोड़ से अधिक है। इनमें से 5 एडीजी रैंक के अफसर हैं, जबकि 46 अफसरों ने अपनी संपत्ति की घोषणा में आधी अधूरी जानकारी दी है। इन अफसरों ने सोना चांदी, जमीन, पैतृक संपत्ति, गाड़ी, फ्लैट इत्यादि का मूल्य नहीं दिया है। इसके अलावा कुछ अफसरों की संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड भी नहीं हुआ है। जिन अफसरों ने संपत्ति की पूरी डिटेल्स बताई है उनमें सबसे अमीर आईजी फ्रंटियर हेडक्वार्टर एसएसबी लखनऊ रत्न संजय कटियार है। उनकी कुल संपत्ति 15.50 करोड़ रुपए की है। कुल संपत्ति में उनकी चल अचल पैतृक संपत्ति और पत्नी की संपत्ति शामिल है। दूसरे स्थान पर कुंदन कृष्णन है, उनकी कुल संपत्ति 11.35 करोड़ से अधिक है, जिसमें उनकी पैतृक संपत्ति भी शामिल है। सीनियोरिटी के हिसाब से देखें तो सबसे अधिक संपत्ति देने वाले टॉप 10 अमीर अफसरों में निर्मल कुमार आजाद 1994 बैच के हैं, जबकि राकेश राठी 2002 बैच के हैं। ऐसे में आपको बताएं कि इन सभी आईपीएस ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जारी किया है। बता दें कि बिहार के आईपीएस अफसरों की औसत संपत्ति 1.68 करोड़ है। हालांकि सबसे कम संपत्ति वाले अफसरों की लिस्ट में कुछ सीनियर भी हैं। एसबीयू के डीआईजी पी कन्नन की कुल घोषित संपत्ति 20,000 है। हालांकि उन्होंने पत्नी की संपत्ति नहीं बताई है क्योंकि उनका इनकम ऑफ सोर्स अलग है। इसके साथ ही डीजीपी एसके सिंघल समेत 10 आईपीएस ने कैश इन हैंड कॉलम में शून्य लिखा है। इसमें पुलिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के एमडी विनय कुमार, एडीजी प्रोविजनिंग अजिताभ कुमार, रत्न संजय कटियार, पी कन्नन और साथ ही एसडीआरएफ कमांडेंट फारुगुद्दीन अहमद, भागलपुर एसएसपी बाबू राम, नवादा एसपी साइली सावला राम और साथ ही खगड़िया एसपी अभितेश कुमार और दानापुर एएसपी अभिनव धीमान इसमें शामिल हैं। तो बता दें कि कुल मिलाकर 167 आईपीएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जारी किया है, जिसमें से 46 ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने आधी अधूरी जानकारी साझा की है, जिसके बाद उन्हें कुल संपत्ति का ब्यौरा जारी करने की जो बात है वो पुलिस विभाग की तरफ से कही गई है। तो ये हर साल बिहार में होता है, जहां पे आईएएस आईपीएस और जितने भी बड़ी अधिकारी हैं उन सभी को अपनी संपत्ति का ब्यौरा जारी करना होता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है, जिसमें से 167 आईपीएस अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा जारी किया, जिसको लेकर क्या कुछ डिटेल्स सामने आई है ये पूरी जानकारी हमने आपको अपने इस रिपोर्ट में बताई है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। नमस्कार।